अमृतसर स्थित फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल ने अपने परिसर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड हार्ट एंड वास्कुलर ट्रीटमेंट की शुरुआत कर इस समूचे क्षेत्र में पहली बार अपनी तरह की हार्ट ट्रीटमेंट तकनीक ऑस्टी आधारित एंजियोप्लास्टी को पेश किया है। ये नवीनतम तकनीक ऑस्टी दिल में स्टंट स्थापित करने के पहले तथा बाद में इंटरनेशनल रणनीति और ऑप्टिमाइजेशन जैसे जटिलताओं को संयोजित करने में कारगर साबित होती है। इस तकनीक को पेश करने के साथ हॉस्पिटल में PCI ऑप्टिमाइजेशन वर्कशॉप का भी आयोजित किया गया, जिसका संचालन अमेरिका स्थित हार्ट एक्सपर्ट और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेश देव ने फोर्टिस के कार्डियोलॉजी विभाग के निर्देशक डॉक्टर अरुण चोपड़ा, कार्डियोलॉजिस्ट विभाग के निर्देशक डॉक्टर दीपक तथा मेडिकल निर्देशक डॉक्टर HP सिंह की मौजूदगी में किया। डॉक्टर अरुण चोपड़ा, डायरेक्टर कार्डियोलॉजी, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल, अमृतसर। अज असी जिहड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जी, इसलिए कर रहे हैं, अज असी वर्कशॉप की है एंजियोप्लास्टी की नवीं टेक्नीक्स की। जिमें कि थानू पता है एंजियोप्लास्टी के असी आम तौर पर एंजियोग्राफी के नाल चैक करते हैं कि नस ब्लॉकेज कित्थे है, और स्टेंट लगाने तो बाद भी असी एंजियोग्राफी नाल ही चैक करते हैं कि नस वधिया खुल गई है कि नहीं। पर कई केसों के असी देखते हैं कि कई सारिया कॉम्प्लीकेशनज आ जाती हैं। कदे कदे होंदा है 100 चो 1-2 केसा दे विच के बाद क्लॉट बन जाता है या स्टेंट विच नैरोइंग आ जाती है। सो ये जिहड़ियां टेक्नीक्स हैगियां, OCT एक नवी टेक्नीक है, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, जिदे नाल कि असी ये देख सकते हैं कि नस दे विच नैरोइंग कितनी लंबी है, कितना कैल्शियम है, स्टेंट प्रॉपरली लग गया है कि नहीं, वो हर जगह प्रॉपरली खुला है कि नहीं, अगे पिछे नस हुण नॉर्मल है कि नहीं, उहदे विच कितें कोई क्लॉट या कोई नैरोइंग या कोई टीयर तो नहीं है। सो दैट जदों असी ये प्रोसीजर OCT नाल गाइड करके करिए तो अपना रिजल्ट होर भी अच्छा आता है, तो दोबारा प्रॉब्लम आने के चांसिस, क्लॉट बनना या दोबारा नैरोइंग आना, ये चांसिस बहुत घट जाते हैं। सो ये इस वेले बेस्ट पॉसिबल टेक्नीक हैगी एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर कंप्लीट करन वास्ते। इहदे नाल प्रोसीजर विच थोड़ी जी कॉस्ट ऐड हुंदी है, तो 5 मिनट का तकरीबन टाइम लगता है, क्योंकि ये 2 बार करना पैंदा है, 1 बार स्टेंट लगाने तो पहला, 1 बार स्टेंट लगाने तो बाद। बट इस तो अलावा कोई होर एक्स्ट्रा रिस्क वाली गल नहीं है। वो तो जिवें नॉर्मल एंजियोप्लास्टी टेक्नीक दे विच असी 24 घंटे पेशेंट नूं ICU च रखते हैं, तो उस तो बाद 24 घंटे पेशेंट नूं रूम च रखते हैं, 2 दिन बाद असी पेशेंट डिस्चार्ज करते हैं, वो सेम है जो पहला हुंदा सी। दीपक कपिला, डायरेक्टर कार्डियोलॉजी, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल। अज असी साढ़े आए हुए सीगे बाहरों स्पैशलिस्ट अमेरिका तो, और असी एक कैंप किया है एंजियोप्लास्टी, जिहदे विच असी लेटेस्ट जिहड़ियां टेक्नीक जिन्हां नाल एंजियोप्लास्टी नूं होर सेफर ते होर बैटर विद एक्सीलेंट लोंग टर्म रिजल्ट्स किवें कीता जावे, वो सारी असी लेटेस्ट टेक्नीक्स यूज़ कीती हैं, जिवें OCT, IVUS, FFR एंड रोटाबलेशन तो असी ऑलरेडी कर रहे हैं काफ़ी चिर का। सो ये नाल है कि एक तो सेफर हो जाती है मरीज़ ली, ये लोंग टर्म रिजल्ट चंगे हैं, नहीं तो लोगों बड़ी वड्डी धारणा हैगी कि जी एक बार स्टेंट पाओ दोबारा फिर लोड़ पैंदी है, ये नाल वो काफ़ी मिनीमल ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट हो जाते हैं। दूजा जिवें रोटाबलेशन टेक्नीक है, वो जो केस अगे सूँ भेजने पैंदे सी ऑपरेशन लई, क्योंकि नाड़ियों के कैल्शियम उन्हों सख्त कर दिता सीगा, स्टेंट नहीं जा सकता सीगा, हुण असीं वो केसिस भी कर सकते हैं बिना ऑपरेशन के। सो साडी टेक्नीक बैटर हो गई है, रिजल्ट बैटर हो गए हैं, और सर्जरी नूं अवॉइड करने लई असीं हुण जिहड़े कैल्सीफाइड आर्टरीज़, इन्हां नूं असीं रोटाबलेशन टेक्नीक नाल बोल सकते हैं।